हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। भारत के भूगोल की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये 23वां वीडियो है जिसमें कि अगले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इंडियन ज्योग्राफी के लेके आया हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट जो कि एमपीपीएससी 2021-22 की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की या एसएससी सीजीएल या फिर अन्य सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट लगातार मेरे इस वीडियो को देखते रहें और सीरीज को देखते रहें जिसमें कि मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अगर मेरा वीडियो और मेरे ये प्रश्न आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको लगातार मेरे इस वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, सीरीज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 23वां वीडियो जिसमें कि अगले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो को अंतर देखना ना भूलिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सब्सक्राइब करें आप रेफरल कोड लगाकर, जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। रेफरल कोड है हरदयाल कुशवा, इसको यूज करें, 10% का डिस्काउंट सीधा आपको प्लस में मिलेगा। अनअकैडमी पर फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलता है, वहीं प्लस में आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का पूरा प्रिपरेशन करवाया जाता है। साथ में 2000 से अधिक क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के यहाँ पर कवर होते हैं और पीवी के द्वारा कंडक्ट जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के यहाँ पर कोर्सेज कवर होते हैं। अनअकैडमी पर पढ़ने के फायदे क्या हैं? अगर प्लस के आप यूजर बनते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो यहाँ पर आप मनपसंद टीचर से लाइव क्लास में पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर लर्निंग होती है, यानी कि पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाता है, डिफरेंट बैच कोर्स, डिफरेंट एग्जाम्स के, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, पोल, कमेंट्स, क्विज, इंटरेक्शन के द्वारा, और जितने भी एडुकेटर सिंगल कैटेगरी में आपको पढ़ाएंगे सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। वीडियो को ऑफलाइन कर सकते हैं आप और पीडीएफ भी यहां पर डाउनलोड की जा सकती है पूरे कोर्स की। अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर इन प्लस सब्सक्रिप्शन, इसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं उन सभी मेंटर से जिससे कि आप सारे डाउट क्लियर कर पाएंगे अपने एग्जाम से रिलेटेड। तो इसमें 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है जिसमें कि अपना स्लॉट बुक करके आप अपने सारे सॉल्यूशन यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको यहाँ पर टॉप एक्सपर्ट आपको सारा मार्गदर्शन देंगे, साथ में आपको यहाँ पर लाइव क्लास में प्रायोरिटी बेसिस पर राइज इन फीचर्स की भी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें आप रेफरल कोड के साथ में प्लस के यूजर और मेंटरशिप प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने सारे एग्जाम से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर यहाँ पर आप कर सकते हैं। गुरु मार्गदर्शन में आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज एमपीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपको मंडे, वेनसडे और फ्राइडे यहाँ पर कंडक्ट की जाती है। एमपीजी के ब्रह्मास्त्र में आपको वीकली रिवीजन टेस्ट सीरीज मिलती है जो कि हर थर्सडे आपको प्रोवाइड होती है यहाँ पर। प्लस का अगला जो कोर्स है जिसमें कि आपको 8 मंथ का फाउंडेशन बैच कोर्स सब्सक्रिप्शन के बाद में आप इसमें एक्सेस कर पाएंगे जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के आंसर राइटिंग के साथ में, ये 22 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि आपको हिंदी मीडियम के विद्यार्थी आपको इसमें कंप्लीट स्टडी आप कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के टॉप एडुकेटर्स में आपको पढ़ाएंगे, एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस कवर होगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन और पीडीएफ भी यहाँ पर प्रोवाइड होंगे। तो आपको प्लस में जुड़ना है 10% के डिस्काउंट के साथ में, हरदयाल कुछ पर लगाकर आपको यहाँ पर सीधे 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अनअकैडमी पर आपको वर्चस्व नाम की मैगजीन भी मिलती है जिसमें कि लास्ट 15 डेज के करंट अफेयर्स भी कवर होते हैं, जिसमें कि प्लस की यूजर्स बनके आप इस मैगजीन का एक्सेस कर पाएंगे और इसमें आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे करंट अफेयर्स का भी। तो अभी सब्सक्राइब करें आप एमपीपीएससी और व्यापम के सभी एग्जाम्स के लिए और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। रेफरल कोड लगाएं मेरा हरदयाल कुशवा, आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा और उससे आप प्लस की यूजर्स बनके कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे विद थ्योरी क्लासेस। तो लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी। लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी का। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका ए विकल्प सही है, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा की जो परिस्थिति होती है वो बिल्कुल ज्यादा उत्तम होती है, इसलिए इसका ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो ए, बी, सी और डी में से कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? तो इसका बी विकल्प सही है, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र है वो कपास की क्रॉपिंग के लिए, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूची वन और सूची टू दी हुई है जिसमें कि फसल उत्पाद और भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में मैच करना है आपको। तो इसमें से अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, वो वाले इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए थे, तो इसका जो आंसर है वो अपन को बताना है।
निम्न में से किस वस्तुओं के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है? चावल के लिए, चाय के लिए, तंबाकू के लिए या फिर गेहूं के लिए? तो इसका जो सही विकल्प है वो है चाय के लिए। चाय के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान आता है यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। दूसरा, इनमें से दोनों कूटों में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। तो इसका जो सही विकल्प है वो दोनों में से कोई नहीं, ठीक है ना। फल के उत्पादन में विश्व का में भारत का प्रथम स्थान है, बिल्कुल नहीं है। और तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ये भी नहीं है। कि दोनों के दोनों विकल्प इसके गलत। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 5। भारत की फसलों की अधिकतर पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। अर्जुन, जया, पद्मा और सोनालिका। तो इनमें से कौन सी गेहूं की ये फसलें किस्में हैं ये आपको बताना है इसमें से। तो इसका जो सही विकल्प है वो सी विकल्प बिल्कुल सही है। इसमें गेहूं की जो किस्म है वो है अर्जुन और सोनालिका। ये दोनों की दोनों जो किस्म है ये गेहूं की कहलाती है। गेहूं की क्रॉपिंग की जाती है इससे। अगला प्रश्न आ गया, रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, पांचवा या फिर चौथा या फिर छठवा? तो इसका जो सही विकल्प है वो है चौथा स्थान है रबर के उत्पादन में भारत का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। रबर के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य यानी कि सबसे प्रथम स्थान पर राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, असम, केरल या फिर कर्नाटक? तो इसका सही विकल्प है केरल। केरल में सबसे अधिक रबर का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान कौन सी फसल के लिए आदर्श जलवायु है? चावल, गेहूं, तंबाकू या फिर चाय? तो इसका सही विकल्प है चावल। चावल के लिए ये आइडियल जलवायु होती है, आदर्श जलवायु कहलाती है। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से किस देश में राष्ट्र की लगभग आधी भूमि पर खेती होती है? चीन, भारत, जापान या फिर अमेरिका? तो इसका जो सही विकल्प है वो है भारत। भारत जिसकी आधी से अधिक भूमि पर खेती की जाती है। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 10वां और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। भारत में हरित क्रांति निम्न में से किसकी अधिक उपज से संबंधित रही है? गेहूं, सरसों, धान, जो धान गेहूं या फिर मक्का और ज्वार? तो इसका सही विकल्प सी रहेगा, यानी कि धान और गेहूं पर सबसे ज्यादा फसल ली गई थी हरित क्रांति के समय में। तो ये 10 प्रश्न थे जो कि मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, प्रश्न अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ में बेल आइकन क्लिक जरूर कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, जिससे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाए और लगातार इस तरीके के प्रश्न मेरे द्वारा आप ले पाएंगे जो कि मैं इस सीरीज के माध्यम से ला रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना।